हाल ही में हमने गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी कमी की है। भारत सरकार एलपीजी एक्सेस को बढ़ाने के साथ अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी विस्तार करना जरूरी समझती है। हासम चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन अब इस क्षेत्र के लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी देने में बहुत बड़ी सहायता करेगी। यहां पर कृष्णापट्टनम से हैदराबाद के बीच मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी शिलान्यास हुआ है। इसके कारण तेलंगाना के विभिन्न जिलों में हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी बनेंगे। ना कुटुंब सभ्युल्लारा, मैंने आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय को भाजपा सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है और विशेष फंड उपलब्ध कराया है। आज मैं आपके बीच एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को उनके प्रेम और स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तो मैं सरकारी कार्यक्रम में हूं।